दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा। सो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैन वेमेन एवरी वन। गेस कर सकते हैं, सो वी गोना टॉक अबाउट हेयर। सो जब हम देखते हैं कि कोई बॉल्ड पैच आ गया या बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं या हमारे बाल जो हैं वो ग्रे हो गए हैं, डू वी गेट अफेक्टेड? येस वी डू ऑल गेट अफेक्टेड विद स्पेशली वेन इट्स ग्रेइंग ऑफ हेयर। सो आज मैं बात करने वाली हूँ प्री मेच्योर ग्रेइंग के बारे में। नाउ व्हाट इज़ प्री मेच्योर ग्रेइंग? सो अगर आप देखें 45 टू 50 ईयर्स की एज में व्हाट हैपन्स, वी स्टार्ट एजिंग एंड वील सी अ चेंजेस इन द स्किन एंड हेयर। और वहाँ पे उस टाइम अगर हम एक दो सिल्वर कलर के या ग्रे कलर के बाल देखते हैं तो हमें पता होता है कि ओके इट्स अ प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग। बट अगर वो जो ग्रे बाल हैं अगर हमें 25 की एज में दिखें, तो अगर आप अपने बच्चे के बालों में देखेंगे अरे ऑल ऑफ अ सडन इसके बाल जो है वो ग्रे होने शुरू हो गए, तो यू डू गेट अफेक्टेड, इज इट इट? सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड प्री मेच्योर ग्रेइंग एंड व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स वी कैन यू नो इंक्लूड इन आवर डाइट टू बेसिकली स्टॉप और प्रोलॉन्ग दिस प्रोसेस। एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो बिकॉज यहाँ पे मैं खाली न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोना ऑल्सो गिव यू सम अमेजिंग रेसिपीज इन द एंड विच विल हेल्प यू विद योर हेयर। इट विल नॉट जस्ट मेक इट लस्ट्रस, इट विल स्टॉप हेयर फॉल एंड डेफिनेटली जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है उसका प्रोसेस भी स्लो कर देगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रे हेयर यूजली हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम जेनेटिक रीजन से होता है, बट खाली जेनेटिक इज नॉट वन ऑफ द रीजन। द मेजर रीजन्स कुड बी अ लैक ऑफ स्लीप, अगर आप प्रॉपरली स्लीप एंड वेकअप साइकिल नहीं फॉलो कर रहे हैं, या बहुत सारा स्ट्रेस है आपको, या बॉडी में हॉर्मोनल डिस्टर्बेंसेज लाइक फाइब्रॉयड, PCOS, थायरॉयड, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वेदर वो प्रोटीन की है या कॉपर की है या मैग्नीशियम की है। एंड यूजली ये डेफिशिएंसीज कहाँ से आती हैं? जब हम अपना डाइट का ध्यान नहीं रखते या बहुत सारी क्रैश डाइट्स करते हैं। सो मैनी देर आर मैनी रीजन्स, सो इफ़ यू हैव टू गो टू द कोर रीजन, सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जेनेटिकली आपके बाल ग्रे हो रहे हैं या आप डेफिशिएंट हैं, या आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो जल्दी से ग्रे हो रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डाइटरी, बिकॉज आई एम गोना मेनली टच योर डाइटरी हैबिट्स। नाउ अगर हम कहते हैं अबाउट डाइट, देर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, अगर आप उसमें डेफिशिएंट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो सर्टन विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस मेलानिन ऑन योर हेयर फॉलिकल्स वो कम हो जाते हैं। सो उसमें अगर आप नाम लेंगे तो B6, B5, B9, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स यू नो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर हेयर इज़ हेल्दी एंड इट इज़ नॉट ग्रेइंग। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ओके हरप्रीत, हाउ डू वी गेट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हम कितने वैरायटी की चीज़ें खाएं ताकि हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाएं। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी अमेजिंग रेसिपीज विच इज़ बेसिकली होलसम रेसिपी एंड विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर गुड हेयर ग्रोथ एंड टू स्टॉप द प्रीमेच्योर ग्रेइंग। तो चलिए अभी बात करते हैं कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं, जो कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, चाहे वो आयरन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, B5, आपको सब तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव क्लब्ड ऑल दीज थिंग्स एंड मेड अबाउट 3 to 4 रेसिपीज़। सो इफ़ यू हैव योर नोट पैड जस्ट नोट इट डाउन एंड मेक श्योर कि ये चीज़ें आप रेगुलरली अपने मील्स में इंक्लूड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दिस अमेजिंग लड्डूज विच आर अमेजिंग फॉर योर हेयर, और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर में शाइन नहीं है या प्री मेच्योर ग्रेइंग है, आप ये लड्डू स्मॉल लड्डूज इन अ डे यू ईट 1 to 2 एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए घर का बना हुआ घी, सो अबाउट 1 tablespoon, सो अबाउट 15 ml ऑफ दैट। उसको अच्छे से गर्म कीजिए, उसमें अबाउट 2 tablespoon ऑफ सेजमी, दैट इज़ योर वाइट तिल, काला तिल मत लीजिए इसमें। सो ड्राई सेजमी सीड्स इनको इसमें रोस्ट कर लीजिए, एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, उसको निकालिए, उसको नटी सा फ्लेवर आता है, और रोस्ट करने के बाद उसको निकालिए और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए एंड लेट इट कूल डाउन। ओके, आफ्टर इट इज़ कूल डाउन एड इन अबाउट 1 tablespoon ऑफ ड्राई कोकोनट पाउडर।
आपको इजीली एक खोपरा का पाउडर मिल जाता है, इट्स वेरी वेरी गुड, इट हैज़ MCTs, एसेंशियल फैटी एसिड्स टू इट, सो आप उसमें वो डालिए, और उसमें अबाउट 1 tablespoon ऑफ जैगरी पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, सो ऑल दोज हु आर डायबिटिक एंड हु वांट टू स्किप इट कैन स्किप इट, ऑल दोज हु लाइक स्वीट तो यू कैन यूज़ अबाउट 1 tablespoon ऑफ जैगरी पाउडर. अब इन जब ये सेजमी वाला जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है, उसमें तब आप जैगरी एंड कोकोनट डालिए, अच्छे से मिक्स करिए एंड मेक इट अ स्मॉल बॉल्स लाइक अ स्मॉल कॉइन शेप बॉल्स, एंड वो है जो आपने यूज़ करना है. यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे, यू कैन हैव इट आफ्टर योर लंच और आफ्टर योर डिनर ऑल्सो, तो स्वीट टूथ का भी यू कैन टेक केयर, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी होलसम एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. सो ये तो हो गया एक मीठा, तो अभी करते हैं कुछ नमकीन चीज़ ट्राई. ओके, सो उसके लिए आपको चाहिए राजगिरा, दैट इज़ एमरेंथ. सो आपको पॉप्ड एमरेंथ मार्केट में मिलता है, सो आप उसको लीजिए, अबाउट अगेन टेक अबाउट टेबलस्पून ऑफ होममेड घी, और उसको एमरेंथ को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए जब तक वो क्रंची नहीं हो जाता. इसको कर लीजिए ठंडा ना हो, ये हो गया हमारा बेस. सो नाउ टेक अबाउट 30 grams ऑफ वॉलनट, दैट इज़ अखरोट, उसको अच्छे से स्मॉल स्मॉल पीसेज में फाइनली चॉप कर लीजिए. Add that. Add about 1/2 teaspoon of flaxseed. So we are good with 1/2 teaspoon of flaxseed here because हम बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं. और about 15 to 30 grams of either the भुना चना, जो आपको white color का भुना चना मिलता है वो, नहीं तो peanuts. Use any of these things. इसके साथ आप डालिए थोड़ा सा pink salt. So actually what I would want you to do is जब आप घी गर्म कर रहे हैं तो उसी में पहले आप अराउंड 5 to 10 करी पत्ता भी डाल दीजिए, इफ़ यू लाइक द टेस्ट ऑफ करी पत्ता, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर, एंड देन पुट द एमरेंथ एंड रोस्ट इट. नाउ ये आपका मिक्सचर रेडी हो गया, इनको कंबाइन कर लीजिए, पुट अ रॉ हिमालयन पिंक सॉल्ट टू इट, एंड यू हैव अ नाइस मिक्सचर विच यू कैन यूज अबाउट हैंडफुल ऑफ इट एज योर इवनिंग स्नैक, बट डू नॉट हैव इट विद टी कॉफी, बिकॉज अगर हम चाय कॉफी के साथ लेंगे तो जो कैफीन टैनिन है वो हिंडर करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें इसमें से मिल रहे हैं. तो आप इसको इवनिंग स्नैक अराउंड 5:30, 6 जस्ट एज अ स्नैक, मे बी यू कैन एड एन वेजिटेबल जूस, साथ में वेजिटेबल जूस पी सकते हैं या एक कप दूध पी सकते हैं, बट डोंट हैव टी कॉफी. सो दिस इज एन अमेजिंग सेकेंड रेसिपी विच इज़ अ लिटल सॉल्टेड विच यू कैन हैव फॉर योर गुड हेयर एंड लस्ट्रस हेयर. ओके, सो द नेक्स्ट रेसिपी इज फॉर ऑल दोज हु आर नॉट प्योर वेजिटेरियन, जो एग खा लेते हैं, सो प्योर वेजिटेरियंस को ये रेसिपी सूटेबल नहीं है. इसके लिए आपको चाहिए 2 eggs, और इस 2 eggs में अब हम डालेंगे अबाउट 1/2 teaspoon ऑफ फ्लेक्सीड पाउडर, उसके साथ में हम डालेंगे अबाउट 1 teaspoon ऑफ पम्पकिन सीड्स इनटू इट, एंड देन अलॉन्ग विद दैट वी विल ऐड अबाउट 1 big tablespoon ऑफ पालक प्यूरी, दैट इज स्पिनिच प्यूरी, एंड 2 tablespoon ऑफ टमाटो प्यूरी. नाउ दिस पालक एंड टमाटर का प्यूरी हैज़ टू बी होम मेड एंड हैज़ टू बी फ्रेश, डोंट यूज़ द पैकेज टमाटो प्यूरी. देन बीट इट नाइसली, पुट इन सम ब्लैक पेपर, लिटल ऑर्गेनिक हल्दी एंड सम हिमालयन पिंक सॉल्ट. सो नाउ दिस इज़ योर ऑमलेट का रेडी, द बेस इज़ रेडी, एंड वी विल कुक इट इन, आई प्रेफर टू कुक दिस इन आइदर होम मेड घी और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, सो वॉट एवर यू लाइक इट एंड वॉट एवर यू हैव अ टेस्ट. इफ़ यू कैन यूज़ घी और कोकोनट ऑयल, आई वुड प्रेफर दोज, एंड मेक दिस ऑमलेट, द वेजिटेबल ऑमलेट, वॉट आई एम सेइंग, इट्स एक्चुअली हैविंग सो मेनी सुपर फूड्स, इट्स हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एंड यू कैन ईट दिस ऑमलेट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट और ड्यूरिंग डिनर और इवन एज अ मिड मील स्नैक. सो दिस इज अनदर अमेजिंग रेसिपी फॉर यू ऑल. अनदर वन इज़ लाइक वॉट यू कैन यूज़ टू इवन हाइड्रेट योर सेल्फ. सो आपने लेना है अबाउट 300 ml ऑफ पानी, लाइक हॉट वाटर, उसमें टी बैग डालिए एंड लेट इट कूल डाउन, कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर इफ़ यू वॉन्ट टू. टेक इट आउट, पुट अ जूस ऑफ 1/2 orange. सो अगर आपके पास ऑरेंज, कीनू, मौसम्बी कुछ भी है, फ्रेश जूस, नॉट द टेट्रापैक्स. सो उसका जो जूस है उसमें 1/2 of the fruit का जूस उसमें स्क्वीज़ कीजिए. उसके साथ में आप डालिए इफ़ यू कैन 1/2 teaspoon ऑफ वीट ग्रास पाउडर. नाउ यू पुट टेक ऑल दीज थिंग्स एंड नाइसली ब्लेंड इट इन अ मिक्सर. ओके, सो आफ्टर यू ब्लेंड इट इन अ मिक्सर, यू वॉन्ट टू सीव इट, यू कैन सीव इट एंड हैव दिस एज लाइक अ वेजिटेबल जूस, यू कैन से, और इट्स एन एंटी ऑक्सीडेंट जूस, इट्स अगेन अमेजिंग फॉर योर हेयर. So I hope all these inputs, whether it's about nutrients, whether the reasons of premature graying or the recipes what I have given you is useful to you. Do give me a thumbs up on a comment box and do write your comments if you try these recipes. I hope you like the video, and for more such videos, stay tuned to our channel.